नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। G20 देशों ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों को आपदा से निपटने का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ में शामिल होने का आग्रह किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कदम उठाने का भी आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत को आपदा मोचन क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए स्वदेशी उपकरण विकसित करने को कहा। पुणे में दीवार ढहने से 15 लोगों की मौत। और विश्व कप क्रिकेट में आज पाकिस्तान का अफगानिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड से मुकाबला। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। जापान के ओसाका में दो दिन के G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर सदस्य देशों ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने पर सहमति व्यक्त की है। सम्मेलन में शामिल नेताओं ने सबके लाभ के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि को सामूहिक रूप से सशक्त करने और नई तकनीक, डिजिटीकरण और इसके अनुपयोग की शक्ति का उपयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की। सम्मेलन के लिए नियुक्त शेरपा सुरेश प्रभु ने बताया कि भारत के लिए ये शिखर सम्मेलन कई मायनों में बहुत लाभकारी रहा। उन्होंने कहा कि भारत ने इस सम्मेलन में विश्व समुदाय के कल्याण के लिए की गई नई पहलों को उजागर किया। श्री प्रभु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार रोधी उपाय करना आवश्यक हो गया है। इसलिए G20 के सभी सदस्य देशों को विदेशी रिश्वत पर रोक लगाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में शामिल होना चाहिए। सुरेश प्रभु ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े कई प्रासंगिक मुद्दों को सामने रखा। इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल फाइनेंस, प्रधानमंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्त, मुक्त और सशक्त वित्तीय प्रणाली, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, महिला सशक्तिकरण, कृषि, वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। सुरेश प्रभु ने कहा कि प्रधानमंत्री ने समाज की बेहतरी के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष तौर पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के बाद जारी वक्तव्य में अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी 19 देशों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौते से पीछे नहीं हटा जा सकता। इन देशों ने इस समझौते पर पूरी तरह से अमल करने का संकल्प व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओसाका में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के आज अंतिम दिन कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो के साथ बैठक में दोनों देशों ने अगले 6 वर्ष के दौरान आपसी व्यापार 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ओसाका में संवाददाताओं को बताया कि दोनों देशों ने यह लक्ष्य 2025 तक हासिल करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने श्री विदोदो के साथ रक्षा, समुद्री सहयोग और अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की और हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में अपने विचार साझा किए। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के साथ चर्चा में नरेंद्र मोदी ने व्यापार और निवेश के साथ रक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और नागर विमानन क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, आतंकवाद का मुद्दा होता है वो तकरीबन प्राइम मिनिस्टर के हरेक बायलैटरल मीटिंग में उठा और उसी संदर्भ में इस मीटिंग में भी उठा। स्पेसिफिकली किसी चीज से जोड़ के नहीं, बट ये जरूर कहा गया कि दोनों देशों को इस चीज को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहूंगा कि एक मीटिंग ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म जो जुलाई में होने वाली है और ये कहा गया कि उस मीटिंग के लिए दोनों देशों को अच्छी तैयारी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज ब्राजील, सिंगापुर और चिली के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात कर व्यापार और निवेश बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकात की और उनके साथ खेल, खनन प्रौद्योगिकी, रक्षा और समुद्री सहयोग तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में चर्चा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सदस्य देशों को आपदा से निपटने का बुनियादी ढांचा तैयार करने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ में शामिल होने का आग्रह किया है। इस गठजोड़ की परिकल्पना नरेंद्र मोदी ने की है। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्विटर पर बताया कि इस पहल से आपदाओं के बाद विशेष रूप से छोटे देशों की मदद की जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा निवेश और विकास सहयोग पर G20 शिखर सम्मेलन के सत्र में कहा कि न सिर्फ आपदा के लिए आपदा अनुकूल बुनियादी ढांचा तैयार करने की जरूरत है, बल्कि ये किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना में G20 शिखर बैठक में ये विचार रखा था। भारत सरकार इस वर्ष के आखिर तक इस नई वैश्विक पहल की शुरुआत के लिए उत्सुक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF और राज्य आपदा मोचन बलों को मजबूत बनाने तथा उनके उन्नयन के लिए केंद्र पूरी सहायता उपलब्ध कराएगा। NDRF से उन्होंने आज कहा कि वह अगले 5 वर्ष में अपने उपकरणों को उन्नत और स्वदेशी बनाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ सहयोग करे। अमित शाह ने कहा कि देश में ही विकसित उपकरण जरूरी हैं ताकि भारत आपदा मोचन के क्षेत्र में अग्रणी बन सके। गृहमंत्री राज्य आपदा मोचन बलों की क्षमता बढ़ाने के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। नई दिल्ली में इस सम्मेलन में होमगार्ड, सिविल डिफेंस और अग्निशमन सेवा विभाग परामर्श कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि NDRF को आपदा मोचन के क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि भारत प्राकृतिक आपदाओं की आशंका वाला देश है। उन्होंने कहा कि आपदा मोचन बल के पास विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और उपकरण होने चाहिए। लगभग 400 जिलों में कोई न कोई बड़ी औद्योगिक इकाई, चाहे BSUC या चाहे प्राइवेट सेक्टर की बड़ी, जिसमें क्षमता है वो जिले की सभी डिजास्टर मैनेजमेंट के इक्विपमेंट परचेज करें। आपदा आती है तो इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास इसके साथ संपर्क होना चाहिए और हमारे बूस्टर के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। और मेरा आग्रह है कि राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर होना चाहिए हर जिले, हर तहसील के अंदर। गृह मंत्री ने वर्षभर अच्छा काम करने के लिए NDRF की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में बात की थी कि स्थानीय लोग और कलाकार अपने रेलवे स्टेशनों को स्थानीय कला के उपयोग से किस तरह सजा रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के कोटा और सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशनों का उल्लेख किया था, जहां स्थानीय कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट चित्रकारी से स्टेशनों को नया रूप दिया था। एक रिपोर्ट। मन की बात में चर्चा के बाद राजस्थान के एक दर्जन से ज्यादा रेलवे स्टेशन अब लोक कलाओं से सुसज्जित होकर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बीकानेर स्टेशन को वहां की सुप्रसिद्ध उस्ता कला की चित्रकारी से सजाया गया है। वहीं जोधपुर रेलवे स्टेशन पर बापूजी की फर की चित्रकारी में लोक संस्कृति की झलक दिखाई देती है। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पारंपरिक कठपुतली चित्रकला की झलक देखने को मिलती है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में कई अन्य स्टेशनों को भी इसी भांति नया रूप दिया जाएगा। हमारी लोकल इंस्टीट्यूट हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ में कोलैबोरेशन पे जगह जगह हम लोग कई NGOs हैं उनके साथ में मिलके हम मुहिम को जारी रखेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र में पुणे में कोंधवा क्षेत्र में आज सुबह निर्माणाधीन दीवार ढह जाने से 4 बच्चों सहित 15 लोग मारे गए। ये सभी मजदूर परिवारों से थे और निर्माणाधीन स्थल पर बन रहे अस्थायी मकानों में रह रहे थे। ये दुर्घटना रात करीब 1:30 बजे हुई। राहत और बचाव कार्य के दौरान 3 लोगों को बचा लिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ज्यादातर मजदूर बिहार और पश्चिम बंगाल के थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट संदेश द्वारा इस दुर्घटना पर शोक जताया तथा पुणे के जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र के महसूल मंत्री तथा पुणे के संपर्क मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि पश्चिम बंगाल तथा बिहार सरकार से हम संपर्क में हैं और दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को सभी आवश्यक मदद दी जाएगी। फिलहाल मृत व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदार को राष्ट्रीय आपदा कोष से 4 लाख रूपये दिए जाएंगे। दुर्घटनाग्रस्त जगह पर अब निर्माण कार्य रोक दिया है। नितिन केळकर, आकाशवाणी समाचार, पुणे।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुरूप एक ऐसी सांख्यिकी प्रणाली की आवश्यकता है जो विश्वसनीय और पारदर्शी हो तथा तीव्र गति से काम कर सके। इस वर्ष के सांख्यिकी दिवस का विषय है सतत विकास लक्ष्य। आज नई दिल्ली में 13वें सांख्यिकी दिवस पर श्री राव ने सांख्यिकीविदों और डेटा संग्राहकों से अपील की कि वे सरकार और देश के उपयोग के लिए भरोसेमंद डेटा सामने रखें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से और न्यूजीलैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। कल दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया था। बर्मिंघम में कल भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3 बजे से भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में आज लगातार दूसरे दिन भी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर में कल इस मॉनसून की पहली मूसलाधार बारिश हुई जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। मुंबई के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले 48 घंटों में बहुत अच्छी वर्षा हो रही है। अंधेरी और माहिम के पश्चिमी उपनगरों में जलभराव की रिपोर्ट दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी तट पर बहुत सक्रिय मानसून की स्थिति से मुंबई, ठाणे और पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होगी। निवेदिता बोलकर आकाशवाणी समाचार मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 2 लोग मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि ये दोनों घटनाएं शुक्रवार रात की हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून इस बीच दक्षिण और मध्य गुजरात के ज्यादातर हिस्सों तक पहुंच गया है। स्थानीय मौसम कार्यालय ने अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दक्षिण और मध्य गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के अधिकतर हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। दक्षिण और मध्य गुजरात के अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों से व्यापक वर्षा हो रही है। सबसे अधिक 200 मिलीमीटर बारिश वापी में रिकॉर्ड की गई, जबकि पारडी, कपराड़ा और उमरगाम में 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। सूरत और वडोदरा शहर के निचाई वाले अनेक क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। सरकार ने इस बात का अध्ययन कराया है कि 2030 में कृषि, पानी, वन और मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अध्ययन हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कराया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार को जल संरक्षण से जुड़ी संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार जल संकट को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर रोक नहीं लगा सकती। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि जल संकट एक गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर जागरूकता बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जलाशयों से पारिस्थितिकी नष्ट हुई है। फांसी देने और प्रताड़ना में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का व्यापार समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत शामिल नहीं हुआ। भारत का कहना है कि प्रताड़ना को मौत की सजा के साथ रखा जाना स्वीकार्य नहीं है। महासभा में कल ये प्रस्ताव पारित हो गया। भारत ने कहा है कि प्रस्ताव में फांसी की सजा को शामिल किया जाना ये आशंका पैदा करता है कि इसे प्रताड़ना की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत ने जोर देकर कहा कि वह उत्पीड़न या ऐसी किसी भी सजा के खिलाफ है, लेकिन फांसी की सजा कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही दी जाती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 देशों ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों को आपदा से निपटने का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ में शामिल होने का आग्रह किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कदम उठाने का भी आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को आपदा मोचन क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए स्वदेशी उपकरण विकसित करने को कहा। पुणे में दीवार ढहने से 15 लोगों की मौत। और विश्व कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।